हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू, गाजर और मटर की सब्जी। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम सब्जी बनाएंगे, और ये मैं बना रही हूँ आज अपने पिंड वाले किचन में, आपको दिख ही रहा होगा। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए देखते हैं। ये देखिए, मैंने दो बड़े साइज के प्याज को ये देखिए रफली काट लिया है, ना ज़्यादा पतला किया है ना ही ज़्यादा मोटा कर लिया है। और उसके अलावा ये देखिए मैंने धनिया लिया है, और ये 7-8 तुरी लहसुन की ली है, आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, और ये 7-8 मैंने हरी मिर्ची ली है। मेरे पास तीखी वाली है इसलिए मैंने 7 ही ली है, अगर आपके पास कम तीखे वाली है तो आप ज़्यादा ले सकते हो। उसके अलावा मैं ये 2 टमाटर लेने वाली हूँ। ये देखिए मैंने कुकर रख दिया है, और सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगी, ये देखिए अब मैं इसमें ये कड़छी, सरसों का तेल थोड़ा सा और डालूँगी, कि हमारे यहाँ गांव में जब सब्जी बनाते हैं तो सरसों के तेल में ही बनाते हैं, इसलिए मैं सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। अब मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी, कि पहले हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच ये देखिए जीरा डाल दिया है, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो गर्म है, और जीरा डालते ही ये देखिए जीरा अच्छी तरह उसमें भुन चुका है। अब मैं इसी के साथ इसमें जो प्याज मैंने काटे हैं, ये देखिए प्याज के जो हरे वाला पार्ट होता है जिसे पुंखा बोलते हैं, वो भी मैंने बीच में ही काटी है। ये देखिए ये फ्रेश प्याज है हमारे गांव की। अब इसी के साथ ही ये देखिए लहसुन, आप देख रहे होगे कि मैं सारी चीज़ें एक ही साथ डाल रही हूँ, क्योंकि हम अगर आलू, गाजर, मटर की सब्जी बनाते हैं तो सारी चीज़ें एक ही साथ डालते हैं, क्योंकि अगर हम पहले लहसुन या जीरा डाल देंगे तो लहसुन है वो ज़्यादा जला जला सा लगने लग जाता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ डाली हैं। ये देखिए अब पहले हम इसको अच्छी तरह भुनने देंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह भून चुका है। ये देखिए अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर लिए थे 2, ये देखिए उसे भी मैंने रफली काट दिया है, अब मैं इसमें इसे ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब मैं आज आपको गांव की सब्जी बनानी सिखा रही हूँ, क्योंकि गांव के किचन में ही बनानी सिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको जैसे हम यहाँ पिंडों में अपनी सब्जी बना के खाते हैं मैं वैसे ही आज आपको बनानी सिखा रही हूँ। ये देखिए, और आप भी एक बार बना के देखिए, और देखिए फिर कितनी टेस्टी बनती है हमारी ये सब्जी। ये देखिए आपको कुर्सी के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। लेकिन आज एक और बात मैं आपसे कहूँगी, कि जितना आप मेरे को मेरी ब्लॉग्स वाली वीडियो में प्यार देते हो, उतना ही मेरा इस किचन वाली वीडियो में मेरे को दीजिए, मेरे को आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के ऐसे ही अपलोड कर सकूं। ये देखिए अब मैं अच्छी तरह पका लूँगी, इसको पकने में कम से कम 1-1.5 मिनट लगेगा। ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह पक चुके हैं, अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूँगी। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसालों में सबसे पहले मैं नमक, ये लीजिए 1, और ये 1.5 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, और ये देखिए 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, और 1 चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाला है। इसके अलावा ये देखिए 1 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर डाला है। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने गैस का फ्लेम स्लो ही कर रखा है, ये जो मैंने सब्जी ये देखिए 2-3 बार पानी से अच्छी तरह वॉश कर ली है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। मैंने पहले वाली अपनी रेसिपी में भी आपको बताया था कि आपको पहले इसको अच्छी तरह वॉश करके रख लेना है, और इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे अगर है भी तो ऐसे निचोड़ निचोड़ के आपको इसको बीच में डालना है। ये देखिए अब सारी सब्जी मैं इसके बीच में डाल दूँगी। ये देखिए ये मैंने सब्जी इसके बीच में डाल दी है, आलू और गाजर। ये देखिए पहले वो अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूँगी, ये देखिए ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह इनके बीच में मिक्स हो जाए। ये देखिए अब इसी के साथ ही जो मैंने मटर ये देखिए निकाल के रखे हैं, फ्रेश मटर हैं। ये देखिए सर्दी का मौसम है, आपको पता है कि जो मटर हैं वो फ्रेश ही मिलते हैं, कई बार हम फ्रोजन मटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग गाँव में तो फ्रेश ही मटर यूज़ करते हैं। ये देखिए अब मैं सभी सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब्जी में। ये देखिए मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूंगी, और इसको मैं 2 विसल लगाऊंगी। ये देखिए कुकर का ढक्कन मैंने बंद कर दिया है, ये देखिए ऐसे, ये देखिए अब मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, और गैस का फ्लेम
हाई है। अब मैं इसको लगभग पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि दो बिसल लगाऊंगी, इतने में ही हमारी जो सब्जी है वो बनके रेडी हो जाएगी। हमारे कुकर ने पहली बिसल उठा ली है, अब ये ऐसे ही छोटी छोटी बिसल लेगा। अब हम इसको दूसरी बिसल भी ऐसे ही दिलाएंगे। ये देखिए हमारे प्रेशर कुकर में दो बिसल ले चुकी है। ये देखिए हमने कुकर का जो प्रेशर है वो निकाल दिया। अब मैं इसको खोलूँगा। इसके वो इस तरफ हमको आटा लगाना पड़ता है क्योंकि ये जिसका जो कुकर है वो ढीला है थोड़ा सा ढक्कन, इस तरह से इसका प्रेशर जो निकल जाता है। ये देखिए आप देख सकते हो हमारी जो सब्जी है वो बन के रेडी हो चुकी है। ये बिल्कुल दो बिसल में बिल्कुल पक जाती है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए आलू को मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, आपको भी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ये देखिए इसमें ऐड कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैं रख लूँगी गार्निश के लिए। ये देखिए ये हमारी आलू गाजर मटर की सब्जी बन के रेडी है। टेस्टी टेस्टी इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये देखिए मैं धनिया अच्छी तरह इसमें मैश कर दूंगी। हम लोग जो आलू हैं वो उसको तोड़ के खाते हैं, इसलिए मैं इसको आलू को ऐसे तोड़ रही हूँ, बीच में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ऐसे अब मैं चलती हूँ इसकी प्लेटिंग की तरफ। ये देखिए हमारी खिली खिली गाजर मटर और आलू की सब्जी। ये देखिए अब मैं इस पर ये धनिया डाल दूंगी। ये देखिए ये हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू।